तो कितना टाइम आपको बताया जा रहा है कि लगेगा वापस अब लाहौर के लिए रवाना होने के लिए? जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं फारूक जी। इस वक्त नवाज शरीफ साहब तो जा चुके हैं, यहाँ पर एक घंटा बताया गया जिसमें से अब 10-12 मिनट तो गुजर चुके हैं और इस वक्त तैयारे में हम मौजूद हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे गुफ्तगू की है और यहाँ बाकी मुसाफिर हैं वो उसी तरह रहेंगे, प्यारे में मौजूद रहेंगे। नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो यही फ्लाइट इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवाना होगी। मेरे पीछे आप मनाजिर देख रहे हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान मीडिया से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद हैं वो प्यारे में मौजूद हैं, बात कर रहे हैं। ये मैं आपको प्यारे के दूसरे मनाजिर भी दिखा रहा हूँ। ये प्यारे की फ्रंट साइड है और उसकी तरफ हम इसके बिजनेस क्लास के बिल्कुल साथ खड़े हैं। पीछे तकरीबन इस पे 164 लोग आज पाकिस्तान पहुंचे हैं और ये उम्मीद है पाकिस्तान फ्लाइट है। इसमें ओवरसीज जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो अराकीन हैं, अहदेदारान हैं, उनकी बड़ी तादाद है जो मियां नवाज शरीफ साहब के हमरा यहाँ पर पहुंची है। सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी उनके हमरा थे और नवाज शरीफ साहब यहाँ पर लैंड करके नवाज शरीफ साहब तशरीफ बुला चुके हैं नीचे और अभी बताया जा रहा है इरफान सिद्दीकी साहब ने मैसेज ये दिया है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर वापस आएंगे और यही जो फ्लाइट है फिर लाहौर जाएंगे। अच्छा, तो फारूक आप बता रहे हैं कि अब से कुछ देर कबल नवाज शरीफ साहब तो लाउंज में जा चुके हैं फ्लाइट से, तो बाकी जो पैसेंजर्स हैं वो इसी तरह से मौजूद रहेंगे और करीबन एक घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि उसके बाद यही जो फ्लाइट है वो लाहौर के लिए रवाना होगी नवाज शरीफ साहब को लेकर। जी, ये भी खासा इम्तहान है यहाँ पे, एक घंटे के लिए लोगों को फ्लाइट में ही रखना और लोग इस वक्त अपनी सीटों से जो है वो उठ चुके हैं। लोगों में थोड़ी सी बेचैनी भी रहती है लेकिन जारी बात है, इंतजार है इस तरह के मराहिल जिसमें लोग चाहते हैं कि इसका हिस्सा बना जाए। जो कारकुनान हैं, कायदीन हैं, उनकी ख्वाहिश है तो ये इंतजार यहीं पर करना पड़ेगा। सामान वगैरह सब कुछ और मुसाफिर यहीं पर मौजूद रहेंगे, जैसे ही नाफिर साहब तो फिर ये प्यारा लाहौर के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी बताया यही जा रहा है कि इमिग्रेशन का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और बस कुछ लीगल टीम से उनकी मुशावरत जो है वो जारी है और उसी पर जो है वो वक्त लगा है ज़्यादा और अब इसी फ्लाइट के ज़रिए फारूक भी बता रहे हैं कि यही तमाम पैसेंजर्स जो हैं वापस लाहौर के लिए रवाना होंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। तो फारूक जैसा आप बता रहे हैं कि एक वाकई बहुत बड़ा टास्क है इस टाइम इतने सारे पैसेंजर्स को इसी तरह से फ़्लाइट में रखना और आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं देख सकती हूँ आपके इर्द गिर्द खासा क्राउड है और हर कोई जो है वो चाह रहा होगा कि वो कुछ देर के लिए उतर जाए। जी, मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ ऊपर नीचे सारे मीडिया के अराकीन हैं, सब चाहते हैं कि अपने अपने चैनल्स के लिए कवरेज करें, पहले करें। कुछ लोग अपने बैग निकालना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपने सामान निकालना चाह रहे हैं और फ्लाइट में सब लोग खड़े हैं इस वक्त। मुझे शायद चंद अफराद हों जो यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हो, वो भी अपनी जगह मुश्किल टास्क है लेकिन बहरहाल कारकुनान उनकी मोहब्बत में और हम अपनी ड्यूटी की मोहब्बत में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस जो तारीखी लम्हात है उनको कवर भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं आप सब। ठीक है फारूक, एक बार फिर से मैं आपकी दिक्कत को भी देख सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ लेकिन हम जितनी ज़्यादा मालूमात इस वक्त हो सकता है आपसे निकलवा लें हम वो सुनना चाह रहे हैं। अब आगे का क्या स्केड्यूल है एक बार फिर से ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। आगे तो यही स्टेटस है अभी फिलहाल, तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की आमद का इंतजार है वापस प्यारे में और उसके बाद फिर ये जब फ्लाइट लाहौर जाएगी तो कहा ये जा रहा है कि ये जो लोग साथ आएंगे जो वहाँ के हमारे ड्राइवर बताते हैं इनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं, बसेज वगैरह के जरिए उनको जलसागार तक ले जाना पहुँचाना इस हवाले से खास इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से ये चूँकि बड़ी तादाद है मुसाफिरों की मेरे ख्याल में एक घंटा ये भी एक मुनासिब फैसला है क्योंकि एक घंटा यहाँ पे फ्लाइट के दरमियान में भी हमें कुछ बेतरकी भी नज़र आई कुछ लोगों की तरफ से हमें परेशानी के सामने इस हवाले से रहा कि बेतरकी थी फ्लाइट और लोगों में शायद ज़्यादा क्रेज था कि वो किसी तरह से नवाज शरीफ के करीब जाएँ उनके पास जाएँ। इस वजह से जैसे लैंड किया
तो लोग अपनी नशस्तों से खड़े हो गए थे। अभी अभी इस वक्त हमारे समेत तमाम जो जहाज के मुसाफिर है वो नवाज साहब की वापसी पर मुंतजर है। तो जैसे ही वो वापस आए और जो प्यारा लाहौर के लिए रवाना हुआ, जहाँ पर एक बड़ा क्राउड उनका मुंतजर है, आज बड़ा पावर शो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मीनार-ए-पाकिस्तान बने जा रहा है।